अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? हमेशा ठीक ठाक हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है वो है रेन लिली। रेन लिली के ऊपर बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है, ये बल्ब के थ्रू होता है। इसके छोटे छोटे बल्ब होते हैं और बल्ब से ये लगता है और बल्ब ही खुद ही मल्टीप्लाई नीचे होते रहते हैं और उनके बहुत ज़्यादा पौधे इस तरह बनते जाते हैं। एक दो दिन पहले यहाँ पे बारिश आई थी तो बारिश की वजह से इसके ऊपर काफ़ी फूल आ गए हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारे कलर हैं इनके, देखें। और गुच्छों की हालत में इसके फूल आ रहे हैं, माशाल्लाह बहुत ही क्यूट कलर है। और मेरे पास तीन कलर हैं इसके, एक ये पिंक है और एक वाइट में है और एक येलो में है, तो वो भी खिलेंगे तो आपसे शेयर करूँगी। और ये जो है मैंने 4 के 5 मेरे पास बल्ब थे, बस वही लगाए थे और उसके बाद ये देखें कितना घना मेरा पौधा हो गया है पूरा। ये नीचे मैंने एक कुंडा है गोल सा, उसके अंदर लगाई हुई है और पूरा देखते ही देखते सारे का सारा कुंडा जो है वो भर गया है। और फ्लावर देखें कितने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। और यहाँ पे जो है ना, ये सारे के सारे बल्ब जो हैं और ज़्यादा न्यू ग्रोथ इनकी शुरू हो चुकी है। तो ज़्यादा जो फूलों वाले होते हैं तो उनके जो गर्मियों के आखिर में जाके ना उनके फूल खिलते हैं। तो ये विंका भी कटिंग से लगी हुई है, बहुत ही प्यारे इसके ऊपर भी फूल आए हुए हैं माशाल्लाह। और ये भी कटिंग से लगाई थी, ये देखें। हाइब्रिड जो वैरायटी होती है कटिंग से भी ग्रो होने में देर नहीं करती, आसानी से लग जाती है। तो ये दोनों पौधे मेरे कटिंग से तैयार किए हुए हैं। और जो रेन लिली है वो जो है आपको मैं दिखा रही हूँ कि इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा ब्लूमिंग हो रही है और बारिश जब भी आती है बारिश के दिनों में इसके फूल खिलते हैं पूरा। जैसे बारिश ना हो फूल इसके नहीं खिलेंगे, रुकी रहेगी। जैसे ही बारिश होगी, एक दो बूंद भी बारिश की पड़ जाए तो इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग होती है। तो ये जो है आप इसको कटिंग से नहीं लगा सकते। और मैंने इसको इस एरिया में रखा हुआ है जहाँ पर इसको ना आधे दिन की धूप मिलती है और आधे दिन की धूप इसको लगने से थोड़ी थोड़ी इसकी टिप्स जो है ना, ये देखिए पत्तियाँ इसकी थोड़ी थोड़ी बर्न होना शुरू हो गई हैं। और कोई बात नहीं, जब सख्त गर्मी है तो गर्मी की वजह से तो ये होता रहता है, कुछ पौधे जो है हमारे ख़राब हो जाते हैं तो कुछ बच जाते हैं। अभी मौसम है, अल्लाह ताला की ज़ात ने बनाए हैं, कभी गर्मी कभी सर्दी, तो चलता ही रहता है। तो आज की वीडियो का टॉपिक मेरा यहीं तक था, फूल आपसे शेयर करने थे, बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे, मैंने कहा छोटी सी वीडियो शेयर कर लूँ आपसे। और मौसम भी काफ़ी अच्छा है, बहुत ही प्यारा मौसम है, बादल भी बने हुए हैं, हवा भी चल रही है। और ये नीचे जो है जेठ प्लांट की कटिंग थोड़ी थोड़ी मैंने लगा दी थी, यहाँ से मैंने निकाल के तो कुछ लगा दी थी जो बड़े हो गए थे, फिर वापस मैंने इसी के अंदर कटिंग लगा दी थी। हल्की हल्की कटिंग, जब भी दिल चाहे आप कोई ना कोई कटिंग लगाते रहें और इसी तरह अपने प्लांट जो हैं बढ़ाते रहें। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।